सो हेलो गाइस, सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल फॉरेंसिक के बारे में। कैसे हम किसी भी पेन ड्राइव से, किसी भी फॉर्मेटेड पेन ड्राइव से या डिलीटेड पेन ड्राइव से, जिसमें कोई भी डेटा नहीं है, कम्प्लीटली पेन ड्राइव फॉर्मेट हुआ हुआ है, उसी से हम कैसे डेटा को रिकवर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको सिखाऊंगा कि आप इमेजेस डॉट जेपीजी एक्सटेंशन की इमेजेस आप किसी भी फॉर्मेटेड पेन ड्राइव से कैसे रिकवर कर सकते हैं। अगर उसमें डेटा रीराइट नहीं हुआ होगा, तो अगर उसमें जस्ट आपने पेन ड्राइव को फॉर्मेट किया, या पेन ड्राइव फॉर्मेट हो गया है बाय मिस्टेकली, या आपको फॉरेंसिक के लिए यूज़ करना है कोई भी पेन ड्राइव से जेपीजी इमेजेस को रिकवर करना है, तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में कैसे रिकवर करते हैं। तो विदाउट फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, मेरे पास एक पेन ड्राइव है, मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो यहाँ मैंने इस पेन ड्राइव को लगा दिया, तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये पेन ड्राइव जो है फॉर्मेटेड है। ठीक है, तो ये रहा पेन ड्राइव, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, दिस फोल्डर इज एम्प्टी, और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं 14.5 GB से 14.5 GB फ्री है। तो इसका मतलब ये पूरा पेन ड्राइव जो है फॉर्मेटेड है। मैं आपके सामने एक और बार फॉर्मेट करके दिखा देता हूँ। तो जस्ट फॉर्मेट इट, स्टार्ट, ओके। एंड तो मैंने आपके सामने इसको फॉर्मेट भी कर दिया। ठीक है, तो ये पेन ड्राइव फॉर्मेट हुआ हुआ है। अभी इसी पेन ड्राइव से मैं लिनक्स में, काले लिनक्स में, मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसी पेन ड्राइव से डॉट जेपीजी के जितने भी इमेजेस वगैरह को कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो मैं अपने लिनक्स में आ जाता हूँ गाइस, और मैं यहाँ पर इस पेन ड्राइव को खोल के एक और बार लगा देता हूँ। तो यहाँ पर पेन ड्राइव आ जाना चाहिए गाइस, एंड लेट्स सी। तो गाइस, यहाँ पर एक पेन ड्राइव आ चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस। तो मैं जब इसमें ओपन करूंगा, तब इसमें एक सिस्टम वॉल्यूम इन्फॉर्मेशन का एक छोटा सा फोल्डर बन ही जाता है। आपको पता ही है, अगर आप लिनक्स यूज़ करते हैं तो पेन ड्राइव ले आके देख लीजिएगा, ये फोल्डर ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आ ही जाता है। फिर मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ गाइस, प्रॉपर्टीज में जाके देखिए, 98.3 KB की वो जो सिस्टम वॉल्यूम इन्फॉर्मेशन की फोल्डर थी उसने लिया था, और बाकी ये देखिए 17.5 GB की पेन ड्राइव है। 17.5 GB फ्री है इसमें, ठीक है, पूरा इन्फॉर्मेशन इसमें फ्री है। दो इसमें आइटम्स थे, 38 जो ये छोटा सा फोल्डर ने ले लिया था। तो ये पेन ड्राइव पूरा फॉर्मेटेड है गाइस, और इसमें कोई भी इमेजेस नहीं है। तो आज हम सीखेंगे कि इसी पेन ड्राइव से हम फॉरेंसिक का मेथड यूज़ करके कैसे इमेजेस को रिकवर कर सकते हैं। डिजिटल फॉरेंसिक करना हम सीखेंगे, बेसिक, एकदम बेसिक्स में आपको बताऊंगा। तो अपना टर्मिनल विंडो खोल लीजिए, आपको इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन का कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें इंटरनेट की कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, तो बिना इंटरनेट को कनेक्ट किए भी अपने कंप्यूटर्स को, बिना इंटरनेट को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट किए भी इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो आपको टर्मिनल विंडो खोलना है, यहाँ पर आपको बस पहले आपको अपना पेन ड्राइव का ना डिवाइस नेम, जो कंप्यूटर जिस नेम से आपका पेन ड्राइव को जानता है, तो उस नेम को हमें पहले निकालना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको कमेंट डालना होगा, एफ डिक्स स्पेस देना है स्लैश एल, एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पर आपके डिवाइस से जितने भी डिस्क कर लीजिए, पार्टीशंस, हार्ड डिस्क, जो भी सब कुछ, जितने भी सब कुछ कनेक्टेड है लिनक्स से, आपके विंडोज से, जितने भी, मतलब पूरा अपना कैबिनेट में जितना भी जो डिस्क का जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लिनक्स ने आपको दिखा दिया है। और यहाँ पर एक पेन ड्राइव लगाया हुआ है, देखिए डिवाइस बूट स्टार्ट। तो यहाँ पर बूट मतलब डिवाइस ऑलरेडी कनेक्टेड है आपके डिवाइस, मतलब आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से, यहाँ पर डिवाइस का नाम है। तो इसको आपको जस्ट कॉपी कर लेना, विल जस्ट कॉपी दिस। आपको अभी आपको जाना है एप्लीकेशन में, एंड यहाँ पर आपको जाना है फॉरेंसिक्स में, क्लिक करना है फॉरेंसिक में, और यहाँ पर आपको मिलेगा फॉरेंसिक कार्विंग टूल्स, यहाँ पर आपको मिलेगा रिकवर जेपीजी का, जो ये फॉरेंसिक का छोटा सा स्क्रिप्ट है, अब इसको यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज, इस स्क्रिप्ट का मदद से, इस टूल का मदद से आप जो है डिजिटल फॉरेंसिक कर सकते हैं। किसी भी पेन ड्राइव से आप जेपीजी एक्सटेंशन की इमेजेस को रिकवर कर सकते हैं। कैसे कर सकते, कैसे करना है, मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा इस वीडियो में, बहुत सिंपल है। ठीक है, पहले आपको एक फोल्डर बना लेता है, पहले हम एक फोल्डर बना लेते हैं, जिससे क्या होगा, जितने भी हमारे इमेजेस होंगे इस फोल्डर में सेव हो जाएगा। तो जस्ट विल मेक अ फोल्डर, इमेजेस नाम का मैंने एक फोल्डर बना दिया गाइस यहाँ पर। तो हमारे पेन ड्राइव से जितने भी इमेजेस रिकवर होंगे वो इस फोल्डर में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम जाएंगे अपने टर्मिनल में, तो मैंने टर्मिनल दो बार खोल लिया, कोई बात नहीं, ओके। सो जस्ट कट इट एंड ओपन अगेन। तो
अभी हम इसमें क्लिक कर सकते हैं आप, तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ से आपको दिखा दिया कहाँ पर कौन सा टूल यूज़ करना है। तो आपको यहाँ पर लिखना है रिकवर, रिकवर JPEG, ठीक है, ये टूल का नाम है। और आपको स्पेस देना है, आपका जो पेन ड्राइव का जो भी नाम था उसको आपको यहाँ पेस्ट करना है। और आपको यहाँ पर लिखना है /O, मतलब इसकी जो आउटपुट होगी एक फाइल में सेव हो जाएगी। तो /O मैं देता हूँ यहाँ पर रूट डेस्कटॉप /images। तो यहाँ पर हो गया, मैं एंटर दबा देता हूँ गाइस। और यहाँ पर ये जो टूल है फॉरेंसिक का, ये आपके पेन ड्राइव को एनालाइज कर रहा है, इसमें कितना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इसमें कितना रिकवर फाइल्स है। तो देखिए यहाँ पर इसने ऑलरेडी दो इमेजेस को रिकवर कर लिया है, और भी ये एनालाइज कर रहा है। तो इसमें जितने भी JPG नाम का इमेजेस होगा ये सब कुछ आपको रिकवर कर देगा, मतलब JPG एक्सटेंशन के जितने भी इमेजेस आपके पेन ड्राइव में होंगे वो ये रिकवर कर देगा, जो भी मतलब डिलीट हो गया है, फॉर्मेट हो गया है, लेकिन वो रीराइट नहीं हुआ है तो वो रिकवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस फोल्डर में चेक कर सकते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी इसने दो तीन इमेजेस रिकवर कर लिया है। तो हम चेक करते हैं, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर दो इमेजेस इसने रिकवर कर दिया है गाइस। तो यहाँ पर ये इमेजेस रिकवर हो चुके हैं, ठीक है, तो ये फर्दर रिकवर कर रहा है। ये टर्मिनल खोल लेते हैं, देखिए दो इमेजेस रिकवर हो गए। तो अभी हाल फिलहाल मैं इस वीडियो को पॉज कर देता हूँ, और जब ये रिकवर हो जाएगा तब मैं इसको, मतलब पूरा रिकवर हो जाने के बाद मैं इसको फिर से आपके सामने खोल दूंगा। ठीक है, तो गाइस इसमें बहुत काफ़ी इमेजेस होंगे, क्योंकि मैंने पुराने टाइम में बहुत इसमें इमेजेस रखे थे, मैंने डिलीट कर दिया था। तो इसमें गाइस काफ़ी इमेजेस होंगे, तो मैंने इसको अभी स्टॉप कर दिया इस प्रोसेस को। तो हाल फिलहाल इसने 69 इमेजेस को रिकवर कर लिया है, एनालाइज इसने बहुत कर लिया था, 69 फाइल्स इसने रिकवर कर दिया। तो इसमें बहुत सारी इमेजेस है, मैंने फालतू में बहुत टाइम लगता तो मैंने इसको इसलिए इसको स्टॉप कर दिया है। और यहाँ पर इमेजेस के फोल्डर में आप चेक कर सकते हैं गाइज, आपको जो है देखिए फाइल्स इमेजेस इज रेडी। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, ये टाइम ले रहा है ओपन होने में। तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हैं गाइज, यहाँ पर 69 इमेजेस, जो भी मेरे स्कूल के प्रोजेक्ट्स के कुछ इमेजेस थे और भी बहुत सारे इमेजेस थे, जो सब इसने रिकवर करके यहाँ डाल दिया है। तो ठीक है गाइज, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए। और गाइज मैं फॉरेंसिक से रिलेटेड स्टडी कर रहा हूँ, मैं बहुत रिसर्च में कर रहा हूँ, फॉरेंसिक के ऊपर मैं स्टडी कर रहा हूँ। तो आपको फ्यूचर में इसके ऊपर और भी बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इस तरह के और भी वीडियोस फॉरेंसिक के रिलेटेड मिलेंगे। और डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप मुझसे ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे। और आपको फर्दर वहाँ पर यूडीमी के फ्री कोर्सेज के लिंक मिलते हैं, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, साइंस के रिलेटेड बहुत कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा, और इस चैनल में भी मिल जाएगा। चैनल में वीडियोस में ज़्यादा डाल नहीं पाऊंगा, लेकिन टेलीग्राम चैनल में मैं अपडेट रहता हूँ, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए मुझे, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाएगा। तो गाइज अगर मैंने इस वीडियो में कुछ गलती कर दिया होगा, या मैंने कुछ गलत कह दिया, या मैं कुछ कहने को भूल गया, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। और तो गाइज दैट्स ऑल गाइज, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दैट्स ऑल गाइज, दिस इज द साइनिंग आउट, होप यू सी इन द नेक्स्ट वीडियो।